इसरो की ओर से भेजे गए चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर इस समय चांद की सतह पर गहरे नींद में सो गए हैं। रोवर प्रज्ञान के बाद अब लैंडर विक्रम भी स्लीप मोड में चला गया है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 ने अपना काम पूरा कर लिया है। चंद्रयान से जैसी उम्मीद की गई थी, चंद्रयान 3 बिल्कुल वैसा ही परफॉर्मेंस चांद की सतह पर दिखाया। दोस्तों, एक तरफ रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर को भारतीय समय के अनुसार आज 8 बजे स्लीप मोड में डाल दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। नासा ने एक तस्वीर शेयर की है जिसको देखकर इसरो के वैज्ञानिक सहित हर कोई डरा हुआ है। ऐसा क्या था उस तस्वीर में और नासा ने क्या खुलासा कर दिया है, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो बन रहे आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। लेकिन आप एक देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर इसरो के ज्ञानकों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दे। 14 जुलाई को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर ने अब तक का काम पूरा कर लिया है। प्रज्ञान रोवर की ओर से धरती पर अब तक जो भी जानकारी भेजी गई है उस पर अध्ययन किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि रोवर प्रज्ञान ने चांद पर अब तक ऑक्सीजन के साथ साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एल्यूमिनियम, आयरन, टाइटेनियम, सल्फर, कैल्शियम, मैंगनीज और सिलिकॉन का पता लगा लिया है। इस खोज के साथ ही भारत दुनिया का वो पहला देश है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन के सबूत दिए हैं। इसरो के अगला पड़ाव चांद के इस हिस्से में जीवन के बहुमूल्य संसाधनों को खोजना है। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। दक्षिणी ध्रुव चांद का वह हिस्सा है जहां पर भारत से पहले किसी देश ने यहां पर कदम नहीं रखा था। चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने को लेकर अमेरिका की नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने एक बड़ा खुलासा किया है। 6 सितंबर को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसमें उसके चंद्र निगरानी कक्षीय चंद्रयान 3 के लैंडर को तस्वीर के मध्य में देखा जा सकता है और विक्रम लैंडर के चारों तरफ चमक प्रसार उसकी काली छाया को देखा जा सकता है। 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने के 10 दिन बाद ही चंद्रयान 3 का सफर अब थम गया है। 14 दिनों के चंद्रयान मिशन को अचानक 10 दिनों में समाप्त करना पड़ा। इसरो ने 23 अगस्त की शाम दक्षिणी ध्रुव पर अपने चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग करवाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अब 2 सितंबर को इसरो ने सूरज की रिसर्च करने के लिए सूर्यान मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। 2 सितंबर की दोपहर को भारत के लोग एक तरफ आदित्य L1 की सफल प्रक्षेपण को लेकर खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अचानक चंद्रयान 3 को लेकर एक ऐसी खबर आई कि इसरो के कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया। इसरो के वैज्ञानिकों के हाथ पांव फूल गए। दरअसल चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर से इसरो के वैज्ञानिकों का संपर्क टूट गया। प्रज्ञान रोवर अचानक चांद की सतह से गायब हो गया और एक लंबी नींद में सो गया। दरअसल दोस्तों, 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने जब चांद की सतह पर लैंड किया था, तब पूरी दुनिया ने चांद के दक्षिणी ध्रुव को पहली बार देखा था। इससे पहले पूरी दुनिया चांद के इस भाग से बिल्कुल अनजान थी। अमेरिका और रूस ने जो अंतरिक्ष यात्री और मून मिशन भेजे थे, वो सब चांद के उत्तरी ध्रुव पर ही लैंड कर गए। भारत को छोड़कर किसी भी देश ने आज तक यहाँ पर कदम नहीं रखा है। इसके पीछे बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह बहुत ही डरावनी और भयानक रहस्यों से भरी पड़ी है। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने भी कहा था कि दक्षिणी ध्रुव पर रहस्य कुछ ऐसे हैं जिसे अभी तक मानव अनजान है। उन्होंने साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन शायद उनका इशारा एलियंस की तरफ था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि चांद का दक्षिणी ध्रुव इतना भयानक क्यों है, तो आपको बता दूं कि दक्षिणी ध्रुव चांद का वह हिस्सा है जहां पर सूरज की रोशनी बेहद कम पहुंचती है और ज्यादातर भाग में अंधेरा ही रहता है। इतना ही नहीं, यहां पर बहुत गहरे और बड़े बड़े गड्ढे भी मौजूद है। इनमें तो कई गड्ढे ऐसे है जो कई किलोमीटर गहरे भी है, जिनमें आज तक कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। माना तो यह भी जाता है कि इन अंधेरे गड्ढों में ही एलियंस का निवास रहता है। दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर भी इन्हीं सतहों पर लैंड किया था। लैंडिंग करने के 4 घंटे बाद लैंडर विक्रम ने अपने अंदर से प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर धीरे धीरे उतारा और तब से अब तक यानी 10 दिनों में प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। इस प्रकार प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह से कई फुटेज एंड वीडियो इसरो के पास भेज चुका है और इसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर छिपे कई रहस्यों से पर्दा उठा दिया है। रूस और अमेरिका ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भारत का चंद्र
चंद्रयान इतना कुछ भी कर सकता है। बीते दिन चांद की सतह पर घूमते घूमते रोवर प्रज्ञान चांद के एक ऐसे गड्ढे के पास पहुंच जाता है, जहां पर जाते ही प्रज्ञान रोवर उस गड्ढे में गिरने से तो बच जाता है, लेकिन उस पर लगे सेंसर ने अपना काम कर दिया। दोस्तों बता दूं कि प्रज्ञान रोवर ने एक ऐसे खजाने का खोज कर दिया जिससे कर पूरी दुनिया हैरान रह गई। प्रज्ञान रोवर ने उस गड्ढे से ऑक्सीजन और सल्फर समेत कई खनिज पदार्थों की होने की पुष्टि की है। दोस्तों अब आते हैं मेन पॉइंट पे। दरअसल दोस्तों लैंडर और प्रज्ञान रोवर सोलर एनर्जी से चलते हैं। इन दोनों में ही सोलर प्लेट लगी हुई है जिसे सूरज की किरणें से एनर्जी लेकर इनके उपकरण काम करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन चांद की इस सतह पर रोशनी हमेशा नहीं रहती है और न ही धरती की तरह 24 घंटे का दिन रात होता है। चांद पर धरती के 14 दिन के बराबर एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात। लेकिन जब चांद पर दिन रहता है तो तापमान 230 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और वही रात जब होती है तो तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। चांद पर 23 अगस्त को सूर्योदय हुआ था और वह धरती के 14 दिनों के बराबर लगातार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चमकता रहेगा। इसी वजह से चंद्रयान के लैंडर को 23 अगस्त को ही लैंड करवाया गया था ताकि सूर्य के किरणें से लैंडर और प्रज्ञान रोवर को एनर्जी मिलती रहे और वो लगातार अपना काम करता रहे। और हुआ भी ऐसा ही, प्रज्ञान रोवर अपना काम जोर शोर से कर रहा था। लेकिन दोस्तों अब इसे रोकना पड़ेगा क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जहां प्रज्ञान रोवर मौजूद है वहां रात होने वाली है और दोबारा सूर्योदय 22 सितंबर को होगा। इतने दिनों तक यहां अंधेरा ही रहेगा और भयंकर ठंड भी पड़ेगी। फिलहाल प्रज्ञान रोवर को लैंडर विक्रम से 100 मीटर की दूरी पर सुरक्षित पार कर स्लीप मोड में डाल दिया गया है जिससे प्रज्ञान रोवर की बैटरी फुल चार्ज रहे। इसके साथ ही रोवर प्रज्ञान के सोलर पैनल को इस प्रकार से सेट किया गया है कि जब 22 सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय हो तो यह उपकरण फिर से अपना काम करना प्रारंभ कर दे और एक बार फिर से रोवर प्रज्ञान की नींद खुल सके।